मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरा कर्म है धर्म का प्रचार करना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मैंने विश्व के कल्याण के लिए आवाज लगाई है। रोहतक की नगरी से मेरे साथ चलेगा कौन? कौन चलेगा? अगर आप लोग साथ देते रहे यूं ही तो वाकई सच्चाई है, वो दिन दूर नहीं आएगा, वो दिन आएगा, जरूर आएगा। करूंगी जरूर, लेकिन उससे पहले जो मेन आज मेरा यहां आने का उद्देश्य था वो यही था। हम पता है हम लोगों में समस्या सबसे बड़ी क्या है? हम अपने धर्म के लिए ज्यादा सोचते नहीं है। मेरी बात को गलत मत लेना, लेकिन सच्चाई बता रही हूं। देखो और धर्म के लोगों को अगर देखना है तो दीपक भाई के दरगाह सुनो, आप लोग भी जो आज आपने कार्य किया ये यहीं तक सीमित नहीं है, इसको आगे भी बढ़ाना है ताकि आपके जैसा ये भी कर पाए। इनको इसीलिए बोल रही हूं, देखो और धर्म के लोगों को, हफ्ते में उनका एक दिन सुनिश्चित है जिस दिन वो एकत्रित होके अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, एक दिन सारा काम छोड़ के अपने समय के अनुसार पूजा करते हैं। लेकिन हमने कौन सा दिन चुन रखा है? कौन सा दिन चुन रखा है? मंगलवार को ही आ जाओ, शनिवार को ही आ जाओ, एक दिन तो ऐसा बना लो जिस दिन कोई काम नहीं, कोई कार्य नहीं होगा। होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे धर्म के लिए सोचना होगा और कोई कार्य नहीं होगा। ईश्वर ने हर युग में सत्य को बचाने की खातिर अवतार लिया, एक वचन को बचाने की खातिर अवतार लिया। हमने क्या किया? सिर्फ इंतजार। कलयुग में भी आएंगे, कब आएंगे इसका कोई पता नहीं है। आपको बताऊं, सतयुग में सत्य की खातिर पत्नी सुत संग हरिश्चंद्र बिक जाते हैं, त्रेता युग में सत्य की खातिर राजा दशरथ अपने प्राण गवाते हैं, द्वापर में सत्य की खातिर राजा युधिष्ठिर सीधे स्वर्ग सिधाते हैं, कलयुग में अयोध्या में वो कार सेवक सत्य की खातिर अपनी जान गवाते हैं। और हम क्या करते हैं? सिर्फ इंतजार। अब इंतजार नहीं करना है, अब मिल के रहना है, जाग के रहना है, तब आएगा कलयुग में राम राज्य। अब जरा एक बार लगाओ जयकारा, मिल के एक बार जय श्री राम। बस इतनी सी मेरी तरफ से, बहुत हो गया। चलो कोई नहीं, अपनी कोशिश रहती है लोगों को जगाना। जाग तो सभी रहे हैं, लेकिन थोड़ा और कर देते हैं तो वो जो हिंदुस्तानी रगों में खून दौड़ रहा है ना, वो दौड़ने लगता है। जरूरी है, एक बार प्रेम से कह दो जय श्री राम, जय श्री श्याम। आओ चलते चलते वही जितने लाडले हैं, जितनी लाडली हैं, खाटू चलने के लिए तैयार रहते हैं। ई कर लिया माइनर, तैयार हो? सोच रहे हैं अभी, करता क्यों सोच विचार। चलो चलो जी खाटू को, चलो चलो जी बैठे हैं हमारे चलो चलो जी खाटू को, चलो चलो जी करता क्यों सोच विचार। चलो चलो जी खाटू को, चलो चलो जी बैठे हैं हमारे सरकार। चलो चलो जी खाटू को, चलो चलो जी खाटू को, चलो चलो जी खाटू को, चलो चलो जी श्याम प्रेमी अब निकल।
चलो जी, काटू को चलो चलो जी। कौन कौन चल रहा है, कौन कौन? श्याम प्रेमी अब निकल पड़े लेके निशान निशान से, ना कोई आंधी उफारो के लाडलों को श्याम के, ना कोई आंधी उफारो के लाडलों को श्याम के, ना कोई आंधी मिलके। चलो चलो जी हाटू को चलो चलो जी, चलो चलो जी हाटू को चलो चलो जी। श्याम प्रेमी अब निकल पड़े लेके निशान शान से, ये हमारे हाथ कब आएंगे काम? आज निशान ना सही, ये दोनों हाथ ही बना लो, ना कोई आंधी तूफानों के लाडलों को श्याम के, ना कोई आंधी तूफानों के लाडलों को श्याम के, ना कोई आंधी तूफानों के लाडलों को श्याम के, ना कोई आंधी तूफानों के लाडलों को श्याम के। वाकई ये नशा हो गया है। सुनो, नित्य खाटू वाले के चरणों में आवाज लगाई जाती है, नित्य खाटू वाले के चरणों में आवाज लगाई जाती है, रोहतक के कीर्तन में आने वालों को यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है, बंधन के हाँ हाँ बंधन के, बंधन के हाँ हाँ बंधन, बंधन के बैठा मेरा सांवरिया प्यारा, बंधन के बैठा मेरा सांवरिया प्यारा, कितना अलग होगा काटू का नजारा, जो भी सुन रहे ना तू, श्याम नशा सर चढ़ कर बोले चलो चलो जी काटू को चलो चलो जी, श्याम नशा सर चढ़ कर बोले दीवाने तेरे धाम के, ना कोई आंधी, दोनों हाथ उड़ा के ये निशान बना के, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ना कोई आंधी तूफानों के लाडलों को श्याम के, ना कोई आंधी तूफानों के लाडलों को श्याम के, कोई आंधी तूफानों के लाडलों को श्याम के, ना कोई आंधी तूफानों के लाडलों को श्याम के, करता क्यों सोच विचार, चलो चलो जी काटू को चलो चलो जी, जिसको साथ लेके आयो बोलो है, करता क्यों सोच विचार, चलो चलो जी काटू को चलो चलो जी, वह बैठे हैं हमारे सरकार, चलो चलो जी काटू को चलो चलो जी, काटू को चलो चलो जी, काटू को चलो चलो जी। श्याम प्रेमी अब निकल पड़े, श्याम प्रेमी अब निकल पड़े लेके निशान शान से, दोनों हाथ उड़ा के, दो मिनट के लिए ये
दोनों हाथ उड़ा के जिसके पास केसरी रंग है हाथों में लेके, जिसके पास केसरी रंग है बोलो ना कोई आधी तूफान रोके ला दिलों को शाम कोई तूफानों के लाडलों को शाम के ना कोई आधी तूफानों के लाडलों को शाम 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 के मेरा 26 जनवरी पे सभी ने सुना होगा देशभक्ति गीत आया था बड़ा ही प्यारा और आप सबने बहुत ही प्यार दिया था। विश्व गुरु है हिंदुस्तान जिसका की टाइटल था। तो इस प्यारी सी बच्ची ने क्या नाम है सौम्या कहाँ से हो कहाँ रहते हो सोनीपत सोनीपत से आए हो आप लोग खरकोटा सोनीपत से क्या बात है बड़ी दूर दूर से आ जाए हैं। बड़ा ही प्यारा सा एक वीडियो बना के भेजा था इसका वायरल हो गया बहुत लोगों ने इसको देखा और आशीर्वाद दिया। एक बार ऐसे बच्चों के लिए जोरदार तालियां। जिस घर में ऐसे बच्चे होते हैं ना मैं उनके माता पिता के लिए भी क्या बात है जो आपने बच्चों को ऐसे इतने प्यारे संस्कार दिए हैं जो अपने देश की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और मैं चलते चलते यही बोलूंगी कि सिर्फ वो एक ही दिन सीमित नहीं रखना है। मेरा वो देशभक्ति गीत गाने का एक ही उद्देश्य था कि हम उन शहीदों को याद करते हैं उस दिन, लेकिन मेरा कहने का एक ही मतलब है कि हम उस एक ही दिन सीमित ना रह जाएं। साल में 365